हाय कैसे हो माय डियर लवली फैंस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि कल रात को इस वीडियो के बीच में मैंने बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का जो प्राइस है और क्रैश होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और उसी के बीचों बीच आज के दिन में आप देखो जो बिटकॉइन का जो प्राइस है कल के मुकाबले में आज के दिन में कितना ज़्यादा डाउन गया है। तो बिटकॉइन अभी भी खतरे में है, बिटकॉइन का प्राइस और भी नीचे जा सकता है। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो के बीच में हम यहाँ पर बिटकॉइन का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक अपडेट आपके साथ यहाँ पर पेश करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट इतनी बड़ी जो करेक्शन के बीच में आया, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो इतना बड़ा जो क्रैश हुआ, तो उसके पीछे किसका हाथ है। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो CZ बाइनेंस का हाथ है, कि उन्होंने अपडेट किया था कि पहले जो FTX को सेल कर देंगे, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह काफ़ी बड़े बड़े जो अपडेट से निकल के आया था। लेकिन गाइस यहाँ पर जो मार्केट जो इतना ज़्यादा डंप गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर CZ बाइनेंस का ही हाथ है। कहीं ना कहीं लोगों को पता चल चुके होंगे, लेकिन गाइस एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट निकल के आया है वो अपडेट मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा लॉस में गया हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन गाइस इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ गाइस यहां पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना, और भी ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी हिंट आ जाता है, मैं ऑन द स्पॉट सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं। इवन कौन सी समय कौन सी कॉइन के अंदर ट्रेड करना होता है और कौन सी समय कौन सी कॉइन के अंदर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ता है, सारी की सारी जो अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने के लिए मिल जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाके क्लिक करके आप बड़ी आसानी से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर नजर डाल के देखिए तो गाइस यहाँ पर जो मार्केट है 65 ट्रिलियन पर आ चुका है। काफ़ी तेज़ रफ्तार से मार्केट को यहाँ पर गिराया गया है 11.46%। यहाँ पर अभी भी जो मार्केट डंप जाती हुआ नज़र आ रहा है। बिटकॉइन का, इथेरियम का यहाँ पर से तराश हो चुका है, काफ़ी बड़ा जो करेक्शन है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। ऑल कॉइन मीम कॉइन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरते हुआ नज़र आ रहा है। गाइस यहाँ पर जो CZ बाइनांस का जो ट्विटर अकाउंट है यहाँ पर हमने ओपन करके रखा है, और गाइस 12 घंटा पहले यहाँ पर एक ट्वीट निकल के आता है, तो इसका जो पूरा आर्टिकल है मैं आपको यहाँ पर ओपन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइनांस शिफ्ट सेस नियर कोलैप्स ऑफ FTX टेम्पररीली इरोडेट कॉन्फिडेंस इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो गाइस यहाँ पर जो बाइनांस का CEO का ये कहना है, जो FTX ने जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर जो विश्वास था वो विश्वास यहाँ पर तोड़ दिया, यानी कि सारे की सारी जो गलती है यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को गिराने के लिए, वो सारे की सारी जो गलती है FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का है, FTX का CEO का है, ऐसा बाइनांस का CEO CZ का कहना है। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देखो जो CZ बाइनांस ने कितनी बड़ी यहाँ पर गेम खेला, पहले सब कुछ तो उन्होंने ही किया है, जैसे कि जो लूना के साथ डो कौन ने किया था, लेकिन गाइस वो चुप चुप के दीवार के पीछे किया था, लेकिन गाइस यहाँ पर ये जो CZ बाइनेंस ने खुलेआम कर दिया, लेकिन गाइस उसको भी यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। CZ बाइनेंस को US यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, उसको भी यहाँ पर पकड़ेंगे। अभी अभी उनको पता चला मैं तो खुलेआम यहाँ पर कर दिया, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैं यहाँ पर गिरा दिया, तो अब उसको पता चल चुका है कि US इसको पकड़ने वाले हैं, कोई ना कोई एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बीच में उसको 100% पकड़ेंगे। इसीलिए कि उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करता है फिर से कि यहाँ पर जो सारी की सारी जो गलती है FTX का है, और FTX की वजह से यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर से लोग का जो विश्वास है विश्वास यहाँ पर उठ चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर गलती किसने किया था, CZ बाइनेंस को। CZ बाइनेंस को क्या जरूरत थी कि यहाँ पर जो FTX जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी कि जो उसका जो CEO है
आलामेदा एक कंपनी के साथ उसका पार्टनरशिप है और उस आलामेदा कंपनी का 4.2 बिलियन एसेट्स है और 7 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने लोन लेके रखा है और उसका जो पोर्टफोलियो है 50% से भी डाउन गया है। तो यहाँ पर एसेट से उसका जो लोन अमाउंट है ज़्यादा हो चुका है, तो उस पर यहाँ पर सीजेड बाइनेंस को दिमाग चलाने के लिए कौन बोला था, उन्होंने खुद यहाँ पर दिमाग लगाया, खुद रिसर्च किया, उसके बाद में वो खुद बोलता है कि यहाँ पर जो FTX जो क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो FTX जो टोकन उनके पास पड़ा हुआ है 2.1 बिलियन उसको यहाँ पर सेल करने वाले हैं। जैसे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर डाउन चला गया है। फिर से उन्होंने वापस ट्वीट करता है कि FTX को एक्वायर करेंगे, वापस फिर से ट्वीट करता है कि हम यहाँ पर सोचेंगे, अगर मुझे ठीक लगता है उसके बाद में हम यहाँ पर एक्वायर करेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है जो सीजेड बाइनेंस का यहाँ पर गलती है और उसको यहाँ पर वाइकट करना चाहिए, सीजेड बाइनेंस को यहाँ पर वाइकट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये जो सीजेड है ऐसा कभी यहाँ पर नहीं कर पाए। तो हम सभी लोग को यहाँ पर कमेंट में वाइकट वाइकट लिखने हैं और उसको वाइकट ही करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गलती किया है सीजेड बाइनेंस ने, ऐसा गलती उनको नहीं करना था, कहीं ना कहीं उसको जरूर यहाँ पर पछताना होगा और उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जाएंगे। आप लोग बस यहाँ पर वेट करो और सबर करो, आने वाले कुछ ही दिनों के बीच में उसका जो रिजल्ट है हमारे सामने निकल के आएंगे। तो कैसे आज की इस वीडियो के अंदर ये अपडेट था, आई होप कि आपका मन में जो भी डाउट था सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माय डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना।